सरकारी रिजल्ट पे और भी वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप जो बच्चे आफ्टर 12th 12वीं के बाद ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हैं, बी एम एस, बी कॉम, बी एस सी, बी फार्मा, बी टेक, तो यूजीसी एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, एंट्रेंस टेस्ट, इसको बोलते हैं CUET 2024। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? ट्वेल्थ पास एनी स्ट्रीम, जो बच्चे मैथमेटिक्स से, साइंस से, या बायो से, या आर्ट से, या कॉमर्स से, जो भी 12वीं पास हो इस फॉर्म को भर सकता है CUET 2024। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। University in our whole country, central university जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना। और यहाँ आप बहुत सारे बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी आपके 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट के आधार पर एडमिशन देते हैं। इन सभी को UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक सूत्र में पिरोया और उसने कहा कि आप सब लोग एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराओ, जिसको बोलते हैं CUET एग्जाम। आप अपने अलग अलग कोर्स को चुन करके यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। आपका एक कॉमन टेस्ट होगा जो फॉर्म लाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है, तो इस फॉर्म को आप भरें, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसे मिस ना करें। CUET 2024 फॉर्म आ चुका है, आप इसको अप्लाई करें। मोर डिटेल आगे आप जब आप फॉर्म भर लेंगे कमेंट भी बताइएगा, आपको इसके सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी, खास करके साइंस हिस्ट्री जो सिर्फ BSc करेंगे आप PCM से, तो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री ये सिलेबस आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, तैयारी कराएंगे। और ऑनलाइन एग्जाम होता है इसका, इसको पास करने के बाद आपके पास एक सुनहरा भविष्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। बहुत सारे बच्चे अब DU दिल्ली यूनिवर्सिटी 88-86% जो अच्छी चल रही है वो भी यहाँ से एडमिशन ले रही है। ठीक है, आप इसका फॉर्म भरें, एक एग्जाम क्वालिफाई करें, तो आपके लिए बेहतर मौका तैयार है। ठीक है, थैंक यू।